हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप इस कोरोना काल में ठीक होंगे और अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सोमनाथ मंदिर को पहली बार चंद्रदेव ने बनवाया था और उस समय ये मंदिर सोने का था। क्या आप ये भी जानते हैं कि सोमनाथ मंदिर को पहला ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है और ये 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग है। सोमनाथ मंदिर अपने आप में ही एक ऐसा महत्व रखता है कि 8 से ज़्यादा बार इसे मुसलमान शासकों द्वारा तोड़ा गया है और 17 बार इसे लूटा गया है। दोस्तों, ग्रंथों से यह पता चलता है कि द्वापर युग में इस मंदिर का निर्माण 3 बार किया था। पहली बार चंद्रदेव ने इसे सोने का बनवाया था, दूसरी बार रावण ने इसे चांदी का बनवाया और तीसरी बार भगवान कृष्ण ने चंदन की लकड़ी से बनवाया। दोस्तों, इस मंदिर का महत्व तब बढ़ जाता है जब ये पता चलता है कि श्री कृष्ण ने अपने देह त्याग इसी स्थान पर किए थे। तो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल में जिसका नाम है द अनटोल्ड स्टोरीज। तो दोस्तों, सोमनाथ मंदिर के बारे में और रोचक बातें जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के किनारे सोमनाथ नामक विश्व प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। इस मंदिर का उल्लेख महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता तथा स्कंद पुराण में किया गया है। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि सोमनाथ का निर्माण चंद्रदेव ने किया था, पर क्या आप ये जानते हैं कि सोमनाथ का निर्माण चंद्रदेव ने क्यों किया था? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। चंद्रदेव का विवाह महाराज दक्ष की 27 पुत्रियों से हुआ था, पर चंद्रदेव अपना सारा समय अपनी प्रिय पत्नी रोहिणी के साथ व्यतीत किया करते थे। तो इसी बात से महाराज दक्ष बहुत क्रोधित हो गए और चंद्रदेव को ये श्राप दे दिया कि हे चंद्रदेव, तुम्हें तुम्हारे तेज और सुंदरता पर बहुत गर्व है, तो मैं तुम्हें ये श्राप देता हूँ कि धीरे धीरे समय के साथ तुम्हारा तेज और सुंदरता कम होती रहेगी। तो चंद्रदेव इस श्राप से बहुत परेशान हो गए, तो फिर वो महादेव की पूजा अर्चना में लग गए और तपस्या में लीन हो गए। तो महादेव ने चंद्रदेव को इसी जगह पर दर्शन दिए थे और उन्हें इस श्राप से मुक्त किया। तो चंद्रदेव ने इसके उपलक्ष में इसी जगह पर एक शिवलिंग स्थापित किया और भव्य मंदिर बनवाया और महादेव को एक नया नाम मिल गया, सोमनाथ, और बाद में इसी ही सोमनाथ मंदिर का नाम दिया गया। दोस्तों, कहा जाता है कि सोमनाथ के मंदिर में शिवलिंग हवा में स्थित था। जानकारों के अनुसार ये वास्तुकला का एक नायाब नमूना था। इसका शिवलिंग चुंबक की शक्ति से हवा में ही स्थित था। कहते हैं जब मोहम्मद गजनवी पहली बार सोमनाथ पर आक्रमण करने आया तो वो भी इस शिवलिंग को हवा में उड़ता देख हतप्रभ रह गया था। दोस्तों, इतिहास के पन्नों से यह पता चलता है कि सोमनाथ मंदिर ईसा पूर्व से अस्तित्व में था। इसी जगह पर द्वितीय बार मंदिर का पूर्ण निर्माण 649 ईस्वी में वल्लभी के मैत्रिक राजाओं ने किया। पहली बार इस मंदिर को 725 ईस्वी में सिंध के मुसलमान सूबेदार अल जुनैद ने तोड़वा दिया था। फिर प्रतिहार राजा नागभट्ट ने 815 ईस्वी में इसका पूर्ण निर्माण करवाया। इसके बाद मोहम्मद गजनवी ने सन 1024 में कुछ 5000 सैनिकों के साथ सोमनाथ पर हमला किया, उसकी संपत्ति लूटी और मंदिर को भी नष्ट कर दिया। उस समय मंदिर पर 50,000 से अधिक श्रद्धालु की हत्या भी करवा दी गई थी जो मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे। दोस्तों, आपको ये जानकर अचंभा होगा कि मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ पर 17 बार आक्रमण करा और इसे लूटा। कहते हैं इस मंदिर से इसने इतनी संपत्ति लूटी कि काबुल में अपना ही एक साम्राज्य बसा लिया था। सन 1297 में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान ने हमला किया और मंदिर की सारी धन संपदा लूट ली और मंदिर को भी ध्वस्त कर दिया।
फिर 1395 और 1412 में फिर सुल्तान मुजफ्फर शाह और अहमद शाह ने हमला किया और मंदिर को तोड़वा दिया। बाद में मुस्लिम क्रूर बादशाह औरंगजेब के काल में भी मंदिर को दो बार तोड़वाया गया, लेकिन हर बार इसका निर्माण हिंदू शासकों द्वारा करवाया जाता रहा और लगातार पूजा अर्चना भी चलती रही। दोस्तों, अगर इस मंदिर पर ये आक्रमण ना होते तो ये मंदिर समस्त विश्व का सबसे अधिक संपत्ति वाला मंदिर होता। पर भारत की आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समुद्र का जल लेकर नए मंदिर का निर्माण का संकल्प लिया। उनके संकल्प के बाद 1950 में मंदिर का पूर्ण निर्माण हुआ। इसके निर्माण कार्य से सरदार वल्लभ भाई पटेल भी जुड़े रह चुके हैं। इस समय जो मंदिर खड़ा है वो भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया और 1 दिसंबर 1995 को भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। तो इसी वजह से ये मंदिर हमारे इतिहास में इतना महत्व रखता है। दोस्तों, अगर आपको कभी गुजरात जाने का मौका मिले तो सोमनाथ मंदिर ज़रूर जाइएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और कोई सजेशन या शिकायत हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।